गैंगटॉक में ये हमारा आज का दूसरा दिन है और हम लोग है ना सेवन वंडर है ना टूर करने वाले हैं, सेवन व्यू पॉइंट। तो सेवन व्यू पॉइंट में कौन कौन सा आता है भैया बताइएगा, थोड़ा सा बताइए भैया। बागतांग गुंजन, अच्छा उसके बाद ताशी, उसके बाद लासा फॉल्स, उसके बाद तुंग कंजर्वेशन, उसके बाद सेवन सिस्टर एक पार्क जैसा होता है, उसके बाद गणेश चौक। अभी हम लोग सेवन वंडर जाने वाले हैं सर, आपको जितना भी सेवन है ना व्यू पॉइंट है सारा कुछ आपको दिखाता हूँ, आप मेरे वीडियो में बने रहिए। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे तरीके से पूरे व्यूज को दिखा सकूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, आप मेरे से देख सकते हैं। अभी हम लोग कौन सी जगह पर आ गया दादा? ये एम जी मार्ग है, ये एम जी मार्ग है, मतलब महात्मा गांधी मार्ग है, आप देख सकते हो ये एम जी रोड है पूरा। मैं एम जी रोड का आपको शॉर्ट शॉर्ट सीन आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम गैंगटॉक, देख सकते हो हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम गैंगटॉक है यहाँ पे। ये देख सकते हो काफी सुंदर सुंदर है, ये आपको चर्च टाइप का बना हुआ है, आई थिंक होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल है, ये स्कूल है ना, अच्छा ये चर्च भी है और स्कूल भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे चर्च ऊपर में है। ये है सदर पुलिस स्टेशन गैंगटॉक, ये देखो कंचनजंगा का पहाड़ नजर आ रहा है, काफी खूबसूरत लग रहा है। चल मैं कंचनजंगा का पहाड़ थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देख रहे हो गाइस काफी मजा आया गैंगटॉक कंचनजंगा का पहाड़, क्या व्यू आ रहा है। बताइए दाऊद भाई कैसा लग रहा है घूम के यहाँ पे? मोटा भाई ये हमारे स्पॉन्सर है, मोटा मोटा पैसा दिया, पतला नोट इनके पास नहीं रहता है क्या है कि ना कि पतला नोट इधर चलता ही नहीं है सिक्किम में, सिक्किम बोलता तो खाली मोटा नोट लगे, हाँ है कि नहीं दादा, खाली मोटा नोट लगता है ना, पतला नोट में काम नहीं चलता इधर। ये ऐसा नहीं है गाइस, आप टेंशन फ्री हो जाए, हम मजाक कर रहे हैं। तो आपको नॉर्मल प्राइस में भी आपको अच्छे अच्छे चीप एंड बेस्ट आपको होटल्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको सामने से सारा व्यू दिखाऊंगा, मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस कि क्या मेरे चार्जेस लगे हैं, कितने प्राइस लगे हैं, ये हर चीज टैक्सी से लेके सारा एक्सपेंस तक मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। बाकी आप मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए।
गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल सेलिंग के पास हम लोग आ चुके हैं और काफ़ी मस्त नज़ारा है यहाँ पे का, गाइस कह नहीं सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं और काफ़ी मस्त सीन भी है। मैं आपको पूरा व्यूज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो व्यूज़ का, यहाँ से लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है और व्यूज़ भी बहुत अच्छा आ रहा है। गाइस देख सकते हो यहाँ का ये लुक कितना अमेजिंग है, एकदम झरना दूध की तरह बह रहा है पहाड़ों से निकलता हुआ, ये आप देख सकते हो काफ़ी इसके अंदर लुक लग रहा है यार, मस्त काफ़ी लुक शानदार है यार। देख सकते हो यहाँ पे ड्रेस काफ़ी सारा मिलता है आप, ये कौन सा ड्रेस है, कितना, ये सिक्किम का आपको ट्रेडिशनल ड्रेस है, भोटिया डिज़ाइन भोटिया लुक में है यहाँ पे, क्या प्राइजेज होते हैं 100 रुपीज़ में, तो आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। ये हमारी दीदी है, हेलो दीदी, तो यहाँ से आप इनसे परचेज कर, मतलब रेंट पे आपको मिलता है 100 रुपीज़ ओनली में, काफ़ी अच्छा लगता है ये आप देख सकते हो वो जो पहने हुए हैं, काफ़ी अच्छा भी लगता है ये डिज़ाइन बूटिया डिज़ाइन। अभी हम लोग फर्स्ट व्यू का हो चुका है, अभी सेकंड व्यू देखने के लिए जा रहे हैं। आज हम लोग गुंजन मोनेस्ट्री आ चुके हैं, मैं गुंजन मोनेस्ट्री का आपको सारा व्यू दिखाता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, रेडी रहिए गुंजन मोनेस्ट्री। मैं आपको गुंजन मोनेस्ट्री का दर्शन करा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे पहाड़ हैं। ये गुंजन मोनेस्ट्री का सबसे इधर से गेट है ये, और पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मुझे तो ये लैंग्वेज पता नहीं है, लेकिन काफ़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज लग रहा है देखने से इसका डिज़ाइन है। गुंजन मोनेस्ट्री मेंटेनेंस फीस एडल्ट 10 रुपीज़ और चिल्ड्रन ब्रो 10 रुपीज़ फ्री, चिल्ड्रन का 10 साल से पहले का है उसका फ्री है और एडल्ट के लिए 10 रुपये चार्जेस है गुंजन मोनेस्ट्री में। आप देख सकते हो यहाँ पे गुंजन मोनेस्ट्री का दिखने का व्यूज़ ही काफ़ी स्टैंडर्ड लगता है, और यहाँ से सीरीज जैसे स्लोपिंग लुक में एकदम स्लोपिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ना डिज़ाइन बनाए हुए हैं, फ्लावर के हैं, फिश है, अलग अलग कुछ भी तरीके का बना हुआ है, सॉरी शंख है, ये शंख टाइप का बना हुआ है, शंख टाइप का बना हुआ है, काफ़ी सारे ही है। और ये एक डिज़ाइन है, हाँ ये देख सकते हैं मंदिर का भगवान का है, सकते गाइस गुंजन मोनेस्ट्री सिक्किम टूरिज्म, और ये देख सकते हैं गुंजन मोनेस्ट्री का गेट है ये, वहाँ पे उधर साइड वॉशरूम है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये सब मिल रहे हैं, बुद्धा है, बुद्धा स्टैचू लुक है ऐसा कुछ। ये थंदोड डोंजिल मेमोरियल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ये गुंजन मोनेस्ट्री का, और काफ़ी शानदार व्यूज़ है यहाँ पे, फ्लावर के साथ काफ़ी सारे फ्लावर्स भी हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं गुंजन मोनेस्ट्री की, काफ़ी खूबसूरत व्यू है, कीप एरिया क्लीन, तो गाइस यहाँ पे साफ़ सफाई का काफ़ी स्टैंडर्ड ध्यान रखा गया साफ़ सफाई का, और लुक आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत, वाओ
यहाँ से पहाड़ का ले में तो और भी शानदार नज़ारा है। देख सकते हो, आप देख सकते हो घर कितने छोटे 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 लग रहे हैं, बट ये उतना छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है ये सब। और पहाड़ में देख सकते हो, देख पहाड़ के पहाड़ से आगे पहाड़ पहाड़ कैसा डिज़ाइन से बना हुआ था, वैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सर्कलिंग लुक, काफ़ी अच्छा लगता है ये नज़ारा आपको। और यहाँ से आप देख सकते हैं मोनेस्ट्री का, यहाँ पे शूज उतार के जाने देते हैं, इसका खूबसूरती मैं आपको दिखा दूँ। देखने लायक है, काफ़ी स्ट्रेंथ है यार। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे झंडे हैं सब। अगर जो भी इन सब बारे में जानते हैं झंडा का ये कलर ऐसा क्यों होता है तो प्लीज़ कमेंट में बिल्कुल बताएं। कहीं पे वाइट, नीला, येलो, रेड, ये सब जो होते हैं जितने झंडे होते हैं इस पर क्या कहते हैं इसको। जो भी है सिक्किम से गाइस, जो भी सिक्किम से मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं तो इसके बारे में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स करके। आप ये देख सकते हो साइड में दो यहाँ पर रखे हुए हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे उसके बारे में अच्छा तो नहीं पता। और ये देखिए गाइस कितना शानदार व्यू है। काफ़ी शानदार लग रहा है ये। गाइज यहाँ पे मुझे पता है आंसर नहीं लग रहा, फिर भी ठीक ठाक है ना।
जिसको आदत नहीं होगा ना थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप एक दो दिन आराम से टहल सकते, बट तीसरे दिन आप नहीं टहल पाओगे क्योंकि थक जाता है। गाइस ये था गोंजांग मोनेस्ट्री बाय लॉर्ड बोजोधारी। कंफ्यूज हो जाएगा इंसान, अच्छा खासा पढ़ा नहीं जाती। गोंजांग मोनेस्ट्री बोजोधारी यह यहाँ पे आया। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, ये है आपको तासी व्यू पॉइंट, यूज डस्टबिन, आप तासी व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं 46। और मैंने पहले भी आपको बताया था ब्लैक कैट जनर्स गनर्स हैं ये लोग, और ये काफ़ी इनके फेमस हैं ये लोग गनर्स लोग, और बाकी सब हर जगह यहाँ पे होते हैं ब्लैक कैट गनर्स, ब्लैक कैट के आदमी सब फोर्सेस। ये तासी व्यू पॉइंट में आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे आपको स्नैक्स वगैरह भी काफ़ी कुछ मिल रहा है और जूस वगैरह भी मिल रहा है यहाँ पे। Okay, जूस वगैरह भी है तासी व्यू पॉइंट पे। बाकी बात खबर नहीं किया है, इससे सीरी से आपको चलते रहे। गाइस मुझसे तो बोला नहीं जा रहा है, अब थक गया हूँ। आप देख सकते हो सीरी से काफ़ी ऊंचा चढ़ना पड़ेगा, और आप देख सकते हो कंचनजंगा की पहाड़ वहाँ से आपको कैसा लग रहा है। अभी ऊपर चढ़ूंगा तो और भी आपको मस्त लगेगा, एकदम बर्फ लगेगा कि बर्फ है, बर्फ उसके ऊपर जमा हुआ है। देख सकते हो गाइस, मैं तासी व्यू पॉइंट के पास आ चुका हूँ, मैं आपको दिखा दूँ तासी व्यू पॉइंट से ऊपर में है। आप देख सकते हो गाइस कंचनजंगा का पहाड़ कितना शानदार नजर आ रहा है, बर्फ से ढका हुआ है पूरा एकदम। अरे आपको गार्डन्स वगैरह हैं, देख सकते हो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे लोग टेलीस्कोप की मदद से भी कंचनजंगा के पहाड़ देखने की कोशिश कर रहे हैं।
ना, प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो पे बने रहिए गाइस। और तीसरा आपको है ना व्यू दिखाने वाला हूँ, उस पर भी आप देखते रहिएगा कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया है वीडियो में, जो भी सिक्किम से हैं या जो इसके बारे में मोनेस्ट्री के बारे में सारे डिटेल्स चाहते हैं, वो मैसेज कर सकते हैं।